हेलो गाइस, चलिए आज आपको मैं एक टॉपिक बताता हूँ जो कि आजकल जितने भी लेत वाले भाई लोग हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा है पिस्टन में रिंग बिठाल करके दे देते हैं। अक्सर मैंने कई लेत वालों को देखा है, जो कई बार मैं खुद अपने हाथ से बोर कराने के लिए गया हूँ तो उन्होंने मुझे भी अपने हाथ से रिंग फिट करके ब्लॉक के अंदर दे दिए। बोला आप इसको ऐसे ही जाके फिट कर देना, आप इसको निकालना मत, हमने इसको सेट कर दिया है। मतलब मैं उनके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनके बारे में कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लेत वालों को मैंने देखा है कि वो अपने हाथ से रिंग फिट करके दे देते हैं। भाई इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को कोई गलत मत समझना, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आप रिंग फिट करा करके लेकर के आ रहे हो तो इसमें कुछ 99 में से 2% ऐसे लेत वाले भाई लोग हैं जिनको ढंग से बोर करना भी नहीं आता है। जो जिन लोगों ने 2, 4, 6, 8, 10 महीने काम सीखा, उन्होंने बोर करना चालू कर दिया। बोर करने का मतलब क्या होता है, पिस्टन के अंदर पॉलिश करना, बोर करना, कट लगाना, टूल से, मतलब हर चीज़ को MM में देखा जाता है, हर चीज़ को MM की तरह से समझा जाता है, तब जा कर के एक बोर तैयार होता है। और बोर एक ऐसी चीज़ है, पॉलिश ब्लॉक के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे अपन, मतलब मैं, आप, कोई भी हो, बात करिए और गणेश वाले से, मेरा फ़ोन आ गया था, तो कोई भी लेत वाले भाई लोग, मैंने जैसा बोला 2% ऐसे हैं इनको ढंग से पता भी नहीं कि बोर कैसे होता है। वो लोग क्या करते हैं, पिस्टन को मतलब अपने अंदाज से बोर कर देते हैं, फिर उसके अंदर पॉलिश कर देते हैं, पिस्टन ज़्यादातर ढीला हो जाता है, उसके बाद वो उसके अंदर अपने हाथ रिंग फटाकर फिट करके मतलब मैकेनिक भाई लोगों को दे देते हैं। बोलते हैं आप इसको ऐसे ही फिट कर देना, बोला कोई दिक्कत नहीं, हमने सेट कर दिया है। तो कई लोग नहीं करते हैं, निकाल करके चेक, उनको लगता है कि नहीं यार इससे पहले कई बार हमने पैक कर दिया है, अब कभी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ये दिक्कत कभी भी आपके साथ भी आ सकती है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने खुद अभी आज अपने अपनी आँखों से अपने हाथ में ये चीज़ देखी है, क्योंकि अभी कुछ दिन मेरे यहाँ मतलब थोड़ी शादी थी, मैं तो चला गया था शादी में, तो मेरे लड़कों ने गाड़ी का इंजन बनाया था जो कि ये रखा हुआ है, इसका भी फिट हो रहा है अभी। तो ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चली है, 15-20 दिन ये गाड़ी चली हुई है, और उसके बाद ये इसमें प्रॉब्लम आई है, बाकी में इतनी ज़ोर से पिस्टन आवाज़ करने लगा, आवाज़ करने के बाद में और धुआं देने लगी, मतलब गाड़ी के अंदर इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि मतलब किस लग ही नहीं रहा था कि मतलब हमने इसके अंदर कोई काम किया है। कि लड़के दुकान पे थे, उन्होंने बोर कराने के लिए गए, उन्होंने हेड ब्लॉक खोला और बोर करा, ब्लॉक खोल करके नहीं, दुकान पर लेकर के उन्होंने हेड ब्लॉक रिपेयर करा के रिंग पटाल के उन्होंने उसको दे दिया, क्योंकि उस दिन शायद सोमवार था, संडे था, तो संडे में मतलब मार्केट में बहुत कम दुकानें खुलती हैं, तो एक दुकान खुली थी, मतलब छोटी सी दुकान थी, उसने वहाँ से बोर करा ली। उन्होंने कहा चलो मेरी गाड़ी का काम हो जाएगा, एक दुकान खुली हुई दिख गई है, तो उन्होंने जल्दी में था कस्टमर, तो उन्होंने बोर करके दे दिया। बोर करने के बाद में उसने ला के ब्लॉक ऐसे कैसे ही फिट कर दिया। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक कितना ज़्यादा ढीला है और कितनी समस्या है ब्लॉक के अंदर। ये पिस्टन नया का नया पिस्टन है, इसको 8-10 दिन हुए, मेले का पिस्टन डाला था लड़के ने मेरे ने इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ पिस्टन इसके अंदर देखो वैसे बिल्कुल टाइट जाएगा, इसमें रिंग लगी हुई है सारी, तो पिस्टन इसके अंदर बिल्कुल टाइट जाएगा, ये देखो आप बिल्कुल टाइट जा रहा है, लग रहा है आपको बिल्कुल एक नंबर जैसा पिस्टन होता है, तो इसी तरह से ब्लॉक के अंदर पिस्टन जा रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रही है, रिंग भी अच्छा काम कर रहा है, हाँ तो ऐसे ही लगेगा ना, लेकिन इंजन में जब फिट होने के बाद में इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतनी स्पीड से चलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ जाती है। तो चलिए मैं आपको रिंग निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर अभी बिल्कुल भी कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही, बिल्कुल ओके है, इसको मैंने अभी ऐसे ही चेक किया है, क्योंकि ये रिंग बिठाल के दी थी उसको, मैं रिंग निकाल करके आपको बताता हूँ। तो ये मैंने इसकी सारी रिंग निकाल दी, अब इसके अंदर पिस्टन डालता हूँ, अभी वही वाला पिस्टन था जो कि चल रहा, देखिए ये देखिए, मैं आपको आप ढंग से देख बिल्कुल, ये देखिए ये पिस्टन गया, आपको आवाज़ भी आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा ढीला कर दिया पिस्टन, रिंग उठाल के दे दिया, बोला पैक कर देना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यार भाई लोगों, जो भी आकर आप काम करवाते हो तो आप किसी भी लेत वाले भाई के पास जाते हो ऐसा ना करें, क्योंकि तो मुझसे तो गलती हो गई है कि मेरे पास लड़का वहाँ पे जाके नई जगह दुकान पे बोर करा लाया था और उसने इसके अंदर ये हरकत करी। अब देखिए कितना ढीला है पिस्टन, आपको देखिए
आप आवाज सुन पा रहे हैं? देखो यार, इतना इतना डाला दे देगी यार। पास में लगा कैमरा, देखिए भाई ये कोई, मैं आपको बताऊं, देखो कितना ढीला है पिस्टन, आप देख रहे हो कितना ढीला है। तो इसके अंदर क्या किया, इन्हें रिंग ढाल के दे दी थी, तो मेरे लड़के ने इसको पैक कर दिया वैसा क्या वैसा ही, उन्होंने निकाल के नहीं देखा कि इससे गलती हो गई है। फिर मेरे पास कस्टमर आया, बोला आपके यहाँ ये काम कराया था मैंने, तो मेरे को ये दिक्कत आ रही थी, मैंने सुनी, मैंने कहा ये तो पिस्टन की आवाज़ आ रही है, इसका पिस्टन अब दोबारा डालना पड़ेगा। तो मुझको बोलता है, मैंने अभी तो काम कराया, इसके अंदर पिस्टन की दिक्कत दोबारा कैसे आ गई? मैंने कहा आप चिंता मत करो, अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आई है और मेरे यहाँ काम हुआ है तो मैं उसको दोबारा रिपेयर करके आपको फ्री में दूंगा, इसका मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। तो देखो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ना ही मेरे लड़के की गलती है, लेकिन जिसके मैंने काम कराया था लेत वाले के यहाँ, यार उससे मुझ मिसस्टैंडिंग हो गई, गलती हो गई है। अब ऐसा कभी भी मेरे यहाँ नहीं होगा कि अगर कोई भी लेत वाला हमको रिंग बिठाल करके देता तो हम उसको मना कर देते हैं। जी मेरी शुरू की याद रही है, रिंगे मैं अपने हाथ से हमेशा फिटिंग करता चला आया हूँ, जब से मैंने अपना उम्र समाज काम सीखा है और अपना मतलब संभाला है अपने कारोबार को, काम को, उसके बाद मैंने अपने हाथ से रिंग बिठालना चालू किया। मैंने कभी भी किसी लेत वाले से रिंग नहीं बिठाल पाई है, क्योंकि मुझे नहीं रहता है भरोसा, भले ही मेरा लेत वाला बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ मैं गोल टोली में काम करवाता हूँ, अमन इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया काम कर करके देते हैं वो मेरे को, और उनके हाथ का जो भी बोर मेरे पास होकर के आता है वो बाकी में ही बहुत लग्जरी बोर करके देते हैं, मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है उनके हाथ के बोर में, इतना बढ़िया बोर करके देते हैं मेरे को वो, उनका काम मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं अगर चाहूँ ना तो उन मतलब बहुत अच्छा काम, आप इसके आगे क्या लफ्ज वो है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। तो उनके पास मैं काम कराता था, उसका मैं अभी काम करवाऊंगा दोबारा उनके पास जा करके, और फिर मैं इसके अंदर दोबारा से जो पिस्टन है 50 नंबर वो डालूंगा। देखिए 25 नंबर पिस्टन है इसका, तो इसके अंदर 50 नंबर बोर करवाऊंगा इसके अंदर, फिर मैं पिस्टन डालूंगा, फिर आपको उसकी कंडीशन बताऊंगा कि कितना अच्छा बोर उन्होंने करके दिया है। तो गाइस, तो आपने देख ही लिया होगा कि अगर कोई लेत वाले भाई आपको अगर रिंग बिठाल के देता है तो आप रिंग ना बिठलवाएं उनसे, और अगर बिठाल के दे भी रहे हैं तो आप अपने हाथ से दुकान पे निकाल करके चेक करें उनको, वो पिस्टन ज़्यादा ढीला तो नहीं है, क्योंकि रिंग लगने के बाद में पिस्टन ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको लेकर के निकलता हूँ लेत वाले के यहाँ, बोर करवा कर लेके आता हूँ, फिर मैं आपको उसका 50 नंबर पिस्टन बताता हूँ। तो गाइस, तो इसका बोर मेरे पास होके आ चुका है, तो पिस्टन जी आप देखिए पास में ले गया बेटा, तो ये 50 नंबर देख रहे हो ना, 25 दिखाया था मैंने आपको, ये 50 है। अब इसका बोर मैंने अपनी जहाँ मैं काम कराता हूँ वॉल टोली में अमन इंजीनियरिंग पे, तो बहुत बढ़िया बोर करके देते, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में इससे पहले। तो देखिए ये पिस्टन मैंने रखा इसके ऊपर, तो पिस्टन ये रुक गया, पिस्टन अब ये हाथ से ही जाएगा, इधर से भी उसको उल्टा कर दिया मैंने, तो अभी ये हाथ से ही जाएगा। देखिए बिल्कुल भी मतलब कोई पिले नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा हो गया ब्लॉक। तो इसको मैं बिना रिंग का चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई रिंग लगी ही नहीं है, बिना रिंग का पिस्टन है तब वो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इतना टाइट नहीं रहना चाहिए पिस्टन कि बिल्कुल हाथ से जाए ना, मतलब हाथ से पिस्टन को सरकना चाहिए, उंगली लग रहा हूँ ना पिस्टन सरक रहा है, जो मैंने आपको पहले पिस्टन दिखाया था बिल्कुल उंगली से धीरे से जा रहा था वो। तो गाइस ये ब्लॉक बिल्कुल बोर होके आ चुका है मेरे पास, और बहुत बढ़िया बोर किया है मेरे भाई ने, तो इसके अंदर मैं रिंग फिटिंग करता हूँ, रिंग फिट करके फिर मैं आपको रिंग फिटिंग करने के बारे में बताता हूँ कि रिंग किस तरीके से फिट कर सकते हो आप। रिंग भी आप चेक कर सकते हो, ये देखिए ये टॉप टू रिंग है, इसको मैंने दबाया, इस पर लगाया, ये देखिए रिंग के अंदर भी बिल्कुल भी गैप नहीं है, लाइए बताए, ये देखिए ब्लॉक के अंदर, ठीक लो पकड़ो, टॉप टू टॉप बंद दोनों रिंग मैंने चेक कर लिए, तो मैं फिट करता हूँ उसको।
तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी सर, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, आपको पिस्टन के बारे में बताने के लिए कि भाई आजकल जो नए लड़के हैं जो काम सीख करके जो दुकान खोल लेते हैं, बोर करना बिल्कुल भी हंसी खेल नहीं है। बोर करना बहुत बेफिकल काम है, बाकी में लगता है कि बोर करने में बाकी में बहुत दिमाग लगता है और उसको बहुत उससे बनाया है, बोर किया जाता है। जैसे रिंग लगने के बाद तो हर ब्लॉक टाइट पिस्टन टाइट हो जाता है ब्लॉक के अंदर। मैंने इसके अंदर रिंगें पैक कर दी, फिट कर दिए। मैं आपको एक बार बिल्कुल चला कर दिखाता हूँ उसको। इसके अंदर एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो बड़े वाला गाला है ना, ये बड़ा वाला जिस पे इन लगा हुआ है, ये कार्बोरेटर पे आएगा और ये नीचे जाएगा। ये देखिए यार, इतना मतलब ताकत लगाना पड़ रही मेरे को रिंग लगने के बाद, ऐसे पिस्टन जाता है रिंग लगने का। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो तो एक उंगली से ऐसे ही गिर रहा था पिस्टन। तो मेरा ब्लॉग बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो वीडियो में, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप आगे से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वीडियो को आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।